आज मैं आपको बताऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से हम फायर पे कैसे कंट्रोल डाल सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। जब हम देखेंगे कि फायर कहीं पर लगी हुई है, फायर को हम देखें कौन सी टाइप है फायर की, ए बी सी डी जो उसकी टाइप्स हैं, हमने उसकी टाइप्स को देखते हैं। उस जब देखेंगे कि हमने कौन सी टाइप है, फिर उस वो वाला जो है हमने फायर एक्सटिंग्विशर लेना है कि आया हमने उस पर पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, केमिकल पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड वाला। फायर देखिए हम गए कहीं भी वाल के साथ जो है फायर एक्सटिंग्विशर होगा, हमने फायर एक्सटिंग्विशर चेक किया, उसको जब हम उठाएंगे तो वो थोड़ा वेटेज उसका ज्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिल अप है। अगर हम खाली उठा के भाग जाएंगे तो हमारा तो काम नहीं बना। जब हम लेने जाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर तो इतना आपने पैनिक नहीं होना, आराम से जाने, मतलब है कि थोड़ा सा भागे, इतना नहीं कहीं भी आप ट्रिप हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। ये ना हो कि आप फायर बुझाने के बजाय खुद ही जो है डैमेज होकर बैठते हैं, आप इंजर्ड होकर बैठते हैं। अब मैंने फायर एक्सटिंग्विशर दिया, फायर एक्सटिंग्विशर तो मैंने अपने हाथ में ले लिया। अब ये जो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया हुआ है, अब इसको चलाने के लिए हमारे जहन में एक फार्मूला होना चाहिए, सिंपल सा फार्मूला है पास पी ए डबल एस। ये किसी के जहन में आ सकता है कि पी ए डबल एस है, ये पास जब हमारे जहन में होगा तो हम आराम से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर लेंगे। पी का क्या मतलब है, पुल द पिन। पुल द पिन क्या है, सिंपल सी पिन है, थोड़ा सा जोर लगाएंगे इसके आगे, ये जो सीध है टूटेगी, पिन निकल जाएगी। ये इसलिए लगी होती है कि ये वैसे हम जब इसको उठाएंगे ये बारी है तो वैसे ये स्पीड ना हो जाए हैंडल, स्पीड होगा तो इसमें से तो केमिकल पाउडर वगैरह निकल जाएगा, ये इसलिए होती है। वैसे अब मैंने उठाया हुआ है, ये देखें अब मेरा इधर भी वेट इसके ऊपर लग रहा है, ये अब पिन ना होती तो ये स्पीड होता तो वैसे काम अभी कोई भी नहीं है। मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो फिर भी ये इसमें से पाउडर निकल सकता है, पिन इस वजह से इसमें होती है। पिन को निकाला, अब इसका जो दूसरा ए है, एम एट द बेस ऑफ द फायर। अब मैंने फायर देख ली, ये सामने फायर है, मैं पहले देखूंगा जज करूंगा अगर इधर हवा वगैरह है, कहीं से हवा आ रही है, आप ओपन एरिया भी हो सकते हैं और कमरे में भी हो सकते हैं कोई इस तरह। अब ओपन एरिया में अगर हवा आ रही है तो मुझे ये करना है कि जो हवा की जो डायरेक्शन अगेंस्ट है उधर नहीं खड़ा होना, क्योंकि उधर से फायर मेरी तरफ आएगी। जब उधर मैं खड़ा होकर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करूंगा तो इसका पाउडर मेरी तरफ ही आएगा और फायर भी मेरी तरफ ही आएगी और काम कोई भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। मैंने जो एयर की जो सिमट है उस सिमट में जो है उधर खड़ा होना है, फिर जो है मैंने देखना है कि फायर थोड़ी है या ज्यादा, थोड़ी है तो मैं करीब भी जा सकता हूँ, थोड़ी ज्यादा है जहां पर मुझे डैमेज मिल रहा है मैंने थोड़ा दूर ही रहना है। अब ए है, एम एट द बेस ऑफ द फायर। फायर को फायर एक्सटिंग्विशर मैंने लिया, पिन को पुल किया, इसको इधर से पकड़ा नोजल को और एम किया, एम एट द लोअर एट द बेस ऑफ द फायर। जो फायर की बेस है उसके लोअर में मैंने एम किया, उसके बाद दूसरा क्या है जी, एस रह गया। एस में हमने क्या करना है, हैंडल को स्क्वीज़ कर